तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, ये जो है चेन या तो टाइट होगा या तो फिर चेन कटेगा। और फ्रेंड्स कोई गेस कर सकते हो ये बाइक कितने दिन से रखा हुआ है? तो एक्चुअली मैं मेन स्टैंड का ये चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ से अगर आप गेस कर सकते हो तो कर लो। ये जो है लगभग जो है ना 58 डेज से ये रखा हुआ है। तो अभी हम इसका जो है चेन टाइट करेंगे। दूसरा नंबर ये है कि इसका फ्रंट ब्रेक जो है ये थोड़ा सा जाम भी चलता है और कभी कभी लगता भी नहीं है और कभी इतना ज़ोर से लग जाता है कि आप गिर भी सकते हो। तो इस चीज़ का मैं पूरा सेट चेंज करूँगा, मतलब सेट नहीं, रबर चेंज करूँगा इसका और मास्टर सिलेंडर किट का भी। ओके तो पहले इसको हम निकालते हैं, अनकवर करते हैं। ओके हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप चेन देख सकते हो कितना लूज है। और अभी जो इसको टाइट जो करेंगे, अगर ये इधर आएगा ओके और ये टाइट होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ये चेन काटना पड़ेगा। जब कटेगा तो ये पोल यहाँ पे आ जाएगा, ये जो आपको गेज दिख रहा है ये गेज यहाँ पे आ जाएगा। ओके पहले इसको तो लूज करना पड़ेगा। ओके लूज होने के बाद ये वाला जो है उधर नट रहता है उसको भी लूज करना है। और इसके लिए जो है 27 नंबर का रेंच लगेगा। तो ये नट खोलना है, तो ये नट खोलने के लिए 22 नंबर का लगेगा रेंच। हाँ तो फ्रेंड्स ये जो है अभी टाइट होगा। ओके जैसे ही आप इसको टाइट करोगे ये उठेगा। ओहो ये इसका लास्ट है भाई, लास्ट पोजीशन है इसका, ये कटेगा ही कटेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए चेन जो है इतना लूज हुआ है और ये है यहाँ से लेके ये एक या दो तीर्थ जिसका कटेगा। तो अभी इसको काटते हैं, तो इसका पॉइंट खोजना पड़ेगा कि इसका जॉइंट पॉइंट कहाँ पर है, पता कर सकते हो। ये ही रहा इसका जॉइंट पॉइंट, यहाँ से ये खुलेगा उसके बाद ये कटेगा। ओके ओके तो ये खुल गया। एक्चुअली ये गंदा जो है ना, इस वजह से हम हाथ नहीं लगा पा रहे। तो फ्रेंड्स ये जो है ना ये चीज़ ये वाला ये यहाँ से इधर निकल जाएगा और ये जो है ये इसमें आ जाएगा। ओके लॉक चेन यही होता है, तो इसके लिए हथौड़ी चाहिए होगा एंड एक दो नट चाहिए होगा इसी साइज़ का, इससे हल्का सा बड़ा होना चाहिए ताकि ये जो उसके होल में चला जाए। ये जो है ये खुलेगा। ओके तो ये जब लेवल में आ जाएगा उसके बाद ये जो एक किल लेके आपको इसको निकालना पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स ये जो है ये पार्ट तो कट गया है, अब जो है इसमें लगाना है। ओके तो अभी इसको लगाते हैं सारा, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये तो हटा ही दीजिए, साइड कर दीजिए। तो ये भी इतना लूज है, तो मैं देखता हूँ एक बार और अगर कट के आ जाए, और उससे हो जाए तब तो फिर ज़्यादा बेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये जो है ना ये चार पॉइंट निकला है। ओके एक दो तीन चार, अभी भी इतना ढीला है तो ये तो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हो ब्रेक लीवर, ये देखिए जब मैं इसको पुश करता हूँ तो ये सडनली जो है अचानक से ये फ्री नहीं होता है, यहाँ से जो है इसका फॉल्ट है। तो वो साफ करने से हो जाएगा या फिर अगर गल गया होगा तब तो फिर दूसरा लगाना पड़ेगा। हाँ तो फ्रेंड्स ये जो है हैरन की से नट खुलेगा, उससे पहले जो है एक ये वाला नट रहता है ये आपको खोलना पड़ेगा स्क्रू ड्राइवर से। उसके बाद जो है ये दोनों नट खुलेगा, जो कि ये खुलेगा 12 नंबर से है तो निकल जाएगा, निकाल ही लेना है। उसके बाद ब्रेक लीवर प्रेस करके ये दोनों जो है पिस्टन निकाल लेना है, तो ऐसे ऐसे करके निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है ना पिलास से भी आपको निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी लेवल पे आने के बाद ही पिलास से भी निकल पाएगा। ओके तो ये भी जो है निकल गया है, इसका जो भी है सिर्फ कटोरा में ही रख देते हैं, सिर्फ डिस्क पैड नहीं रखना है। एक ये बचा हुआ निकालने के लिए, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा बट प्लायर से आप निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो, दोनों हाथ से प्रेस करके और इसको ऐसे ये निकल जाएगा। अब जो है इसको बढ़िया से साफ करके फिर रबर को देख लेंगे, अगर चेंज करने वाला होगा तो कर ही देंगे। इसके बाद चलते हैं मास्टर सिलेंडर किट के पास। तो फ्रेंड्स ये जो है मास्टर सिलेंडर किट खोलने के लिए ये लीवर को आपको खोलना पड़ेगा, यहाँ पे नट है इसका, यहाँ से ये खोलना पड़ेगा और ये दोनों नट जो है ये दोनों नट खोलना पड़ेगा, तब ये बाहर लीवर आएगा। और यहाँ से जो ये पाइप का है ये पाइप का कनेक्शन भी हटाना पड़ेगा। ठीक है
तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो पूरा जो वाइट जो हो गया ना, ये गल गया, ठीक है। तो अब मेरे को लग रहा है कि ये काम का नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये जो क्लिप दिया हुआ है, ये अंदर में ये वाला नोज़ प्लायर से निकलेगा, जो कि ये है नोज़ प्लायर। तो फ्रेंड्स ये जो है क्लिप भी निकल गया है, और ये है इसका किट। ये चलेगा कि नहीं चलेगा ये साफ़ करने के बाद ही कुछ पता चलेगा। ओके, तो ये चीज़ जो है पूरा साफ़ कर लेना है, ये मास्टर सिलेंडर को अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है ये जो है लग रहा है कि भी चलेगा, क्योंकि बाहर में ही रस्ट लगा था, अंदर ये सब तो ठीक है। इसको जो है इसी में डाल के फिर करते हैं इसको सही, ठीक। तो इसमें जो है हल्का सा तेल लगा देना है, ठीक है। तेल अगर नहीं लगाओ तो ये ढंग से जाएगा नहीं। लगाने के बाद ये क्लिप आपको लगाना पड़ेगा, और ये क्लिप लगाने के बाद इसको जो है बैठाना होता है यहाँ पे घाट जो रहता है उसमें। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो है एकदम से लग गया है क्लिप के साथ। अब ये है ऊपर नीचे होएगा, तो इसका काम कंप्लीट हो गया। और ये जो रबर है ये ऐसा ही लगा देता हूँ, ये वाला चीज इधर का जो फटा हुआ है इस साइड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो है कैलिपर तो साफ कर दिया हूँ, ठीक है। और ये रबर जो है पहले ये पिस्टन साफ करके देखता हूँ, और पिस्टन देखता हूँ साफ करके, अगर ये काम कर गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका रबर चेंज कर दूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो है इसका रबर निकाल दिया हूँ, और रबर जो है यही चल जाएगा। तो यही रबर लगा के फिर इसमें न्यू ऑयल दे के फिर कर देना है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है रबर वही बैठा दिया हूँ, और ये पिस्टन है तो पिस्टन भी यही लगा दे रहा हूँ। और यहाँ जो है ये पैकेट जो कि इसके लिए है, और ये पैकेट जो कि इसके लिए है। ओके, दोनों का दोनों यूज नहीं होना। ओके, तो दोनों पिस्टन जो है इसमें बैठ गया है। अब क्या करना है, अब इसका रबर लगाना है। ओके, तो ये रबर यहाँ पे आएगा, और ये रबर यहाँ पे। इसमें जो है ना हल्का सा दोनों में ग्रीस डालना है। ये मैं पेस्ट वाला यूज़ कर रहा हूँ, ये विडोल का है AP3। एंड उसके बाद ये लगेगा, तो पाइप में जो है ना हवा देके उसका सही साफ करना है पाइप, ठीक है। इसमें हल्का सा ग्रीस दे देते हैं ताकि ये जो है फ्री रहेगा लीवर। तो फ्रेंड्स ये जो है DOT 3 का ब्रेक ऑयल है, तो इसे भी इसमें डालते हैं। ओके, तो ब्रेक लीवर को दबा के डालना है। तो यही ऑयल नीचे ऊपर से नीचे जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका एयर जब निकालिएगा तो फिर इसको जो है प्रेस करके उसके बाद इसको ढीला करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो सारा मोबिल निकलेगा, जो एयर में बना रहेगा वो सारा मोबिल निकल जाएगा। उसके बाद फिर इसको टाइट कर देना। ओके, टाइट करने के बाद फिर से आप एयर बनाओगे तो फिर मतलब ऐसा ही करके आपको 4-5 बार रिपीट करना होगा, तब जाके ब्रेक आपका सही से काम करेगा। ओके, तो इसको दबा के रखना है, देन आफ्टर इसको ढीला करना है। ढीला करने के बाद जितना भी निकल जाएगा ऑयल आपका निकलने दीजिए। उसके बाद फिर इसको टाइट कर देना है, उसके बाद फिर ये लीवर को रिलीज़ करना है। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम पे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, जहाँ पे कोई भी दिक्कत आ रहा है आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी है BR09 Biker, यहाँ पे आप DM कर सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स अगर यहाँ तक आप लोग देख चुके हो तो फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।